Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and having a fantastic day at your home. So today I'm here with something interesting for you. So take out your prayer one phonics book and open page number 56. Now look over here kids, we have a page और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी pictures नजर आ रही हैं, है ना? तो हम पहले आइकन्स को रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज सर्कल, सेकेंड इज कलर. सो वी हैव टू सर्कल एंड कलर ऑन दिस पेज एंड देन राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. जिस दिन भी आप ये काम कर रहे होंगे उस दिन की डेट डालेंगे आप अच्छे से नीटली. ठीक है, अब आते हैं हम अपनी पिक्चर्स की तरफ. सो लेट्स सी द पिक्चर्स. दिस इज कॉट, pot, hot and rot, rot. So हमारे पास यहाँ पर ये pictures दी हुई हैं और हमारे पास हर picture के सामने और pictures भी दी हुई हैं, है ना? Lines से सारी pictures दी हुई हैं और पहली लाइन में एक पिक्चर पे सर्कल भी हुआ हुआ है. तो आपको तो पता है ना कि जब इस पे ऐसे एक पिक्चर पे सर्कल हुआ हो तो क्या मतलब होता है. Yes, we are going to find the same picture which is given at the first. जो शुरू में हमें पिक्चर दी हुई है उससे हम मैच करेंगे ढूंढ के कि कौन सी पिक्चर है भाई सेम, और फिर हम जो है वो सर्कल कर देंगे. बड़ा आसान सा काम है ये तो, है ना? तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर. ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया ना कि कॉर्ड को सर्कल किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें कॉर्ड दिया हुआ था. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर विच इज पॉट. So let's find where is pot. Is this pot? No, this is rod. The rod बना हुआ है ना. तो let's see the next one. Is this pot? Yes, this is pot. So what we are going to do? We will take out our crayon and circle this picture pot because हमें यहाँ पर pot दिया हुआ है. सो हम जब पॉट की पिक्चर को सर्कल कर देंगे तो हमने सेम पिक्चर को सर्कल कर दिया ना, तो ये काम हमारा हो गया बड़ी आसानी से. अब जो हैं वो बाकी की पिक्चर्स जो हैं विच इज़ हॉट एंड रॉट, ये दो पिक्चर्स जो है ना वो आप खुद से करेंगे. दिस विल बी डन बाय योरसेल्फ एंड आई नो यू कैन ईजीली डू दिस. सो जब आपका ये काम हो जाएगा you are going to color the pictures and this page is done over here. Now move on to the next book page which is page number 57. Now again we have a new page और यहाँ पर हमें कुछ words नज़र आ रहे हैं, है ना? और pictures नज़र आ रही हैं और अगर आप नोट करें तो ये वही पिक्चर्स हैं और उनके नाम जो हैं उन्होंने शफल करके दे दिए हमें, है ना? एक तरफ वर्ड्स लिख दिए हैं और एक तरफ पिक्चर्स लिख दिए हैं. तो हम पहले आइकन्स को रीड कर लेते हैं कि हमें क्या काम करना है इस पेज पे. फर्स्ट वन इज़ रीड, सेकेंड इज़ मैच. सो वी हैव टू रीड एंड मैच ऑन दिस पेज एंड देन राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. ठीक है, जो ब्लैंक दिया हुआ है डेट के आगे वहाँ पे हमने अच्छे से नीटली डेट डाल देनी है. ठीक है ना? और अब हम आते हैं अपने वर्ड्स की तरफ. ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं जिस रॉट, डॉट, कॉट एंड पॉट. सो वी हैव दीज वर्ड्स ओवर हियर. हमने यहाँ पे वर्ड्स रीड कर लिए हैं और सामने जो है वो कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए ना, कॉट पहली पिक्चर तो कॉट बनी हुई है तो और वर्ड तो रॉड लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने सेम पिक्चर नहीं दी है सेम वर्ड के आगे. तो हमें क्या करना है? यस, वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम पिक्चर और फिर क्या करेंगे उसके साथ. देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड को हमने मैच किया हुआ है ना पिक्चर से. किस पिक्चर से मैच किया हुआ है? यहाँ पर रॉड के वर्ड को रॉड की पिक्चर से मैच किया हुआ है बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द सेम विद द अदर पिक्चर्स एंड वर्ड्स. सो विद द हेल्प ऑफ अ क्रेयॉन ट्रेस दिस डॉटिकल लाइन. इसको हमने ट्रेस कर लिया. ठीक है, क्योंकि रॉड को रॉड की पिक्चर से मैच करना है. तो ये तो हो गया हमारा. अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ विच इज़ डॉट.
सो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज डॉट. डॉट कहाँ बना हुआ है? हेयर इज डॉट, ये रहा डॉट. सो वी आर गोइंग टू मैच द वर्ड ऑफ डॉट विद द पिक्चर ऑफ डॉट. सो दिस इज डन ओवर हेयर. और यहाँ पर दो वर्ड्स और दिए हुए हैं, कॉट एंड पॉट. और ये अब आप खुद से करेंगे. यू विल फाइंड द सेम पिक्चर्स एंड मैच देम टुगेदर. ठीक है ना? तो मुझे पता है अभी काम अच्छे से कर लेंगे. और फिर जब आपका ये काम हो जाएगा ना, फिर आप नीट नीट कलर्स कर लीजिएगा इन पिक्चर्स के अंदर. ठीक है? नाउ अब ये काम का फिनिश हो गया. गो टू योर मामा और एनी एल्डर, उनको अपना काम दिखाएं, उनसे अच्छे अच्छे रिमार्क्स लें. ठीक है? देन क्लोज दिस बुक एंड पुट इट इन योर बैग्स. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.